हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में देखा। उसमें हम लोगों ने दो टर्म में देखे, एक बेस बैंड सिग्नल और एक पास बैंड सिग्नल, जिसको हम लोग बैंड पास के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसमें हमेशा आपको डाउट होता है। जैसे कि आप जब कभी भी पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बैंड पास किसको कहते हैं और पास बैंड किसको कहते हैं और बेस बैंड किसको कहते हैं। तो चलिए, इन्हीं पे आज हमारा फोकस है, ताकि आपको आगे अगले आने वाले लेक्चर्स में ये डाउट ना हो कि बैंड पास किसे कहते हैं, पास बैंड किसे कहते हैं और बेस बैंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, जब कभी भी आप मॉड्यूलेशन पढ़ोगे तो वहां पे ये दो नाम आपको जरूर मिलेंगे, बैंड पास और पास बैंड। इसी को हम लोग बैंड पास भी कहते हैं, बेस बैंड, पास बैंड, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड पास सिग्नल। ठीक है, तो ये हमेशा आपको मिलेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आइए चलते जानते हैं। देखिए, लिख रहा है कि इफ ए सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ए सिग्निफिकेंट लोअर फ्रीक्वेंसीज अप टू 10 किलो हर्ट्ज, वैसा सिग्नल जो जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 10 किलो हर्ट्ज से कम होगा या फिर 10 किलो हर्ट्ज होगा, समझ गए ना, कोई भी फ्रीक्वेंसी जिसका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज तक होगा तो नोन एज बेस बैंड सिग्नल। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। कहने का मतलब लोअर फ्रीक्वेंसीज को, 10 किलो हर्ट्ज के लोअर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं। जैसे क्या हो सकता है सर, तो ये हो सकता है आपका वॉइस ऑडियो या वीडियो सिग्नल। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वॉइस ऑडियो वीडियो सिग्नल। जैसे अभी ये सर क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, ये क्यों आप इसको बेसबैंड सिग्नल कह रहे हैं सर? तो देखिए दोस्तों, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होते हैं उनको हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली रूप में ट्रांसमिट नहीं कर सकते किसी एंटीना की मदद से। तो ये एक पॉइंट आपको यहां पे एक वीवीआई पॉइंट लिखा हुआ है कि बेसबैंड सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू एन एंटीना। तो इसको क्यों नहीं एंटीना के थ्रू करेंगे सर ट्रांसमिट? तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस करना पड़ेगा और उस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा इस लोअर फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर देते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज में, समझ गए ना। देखिए यहां पे कुछ फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, डेटा फ्रीक्वेंसीज, वो क्या है, वीडियो के 0 हर्ट्ज से लेकर के 5 मेगा हर्ट्ज तक। मेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो मेगा बराबर होता है 10 के पावर 6, ठीक है। और उसके बाद है ऑडियो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, तो किलो की वैल्यू होती है 10 टू पावर क्यू, ठीक है। उसके बाद है वॉइस, वॉइस है 300 हर्ट्ज से लेकर के 3.5 किलो हर्ट्ज तक, समझ रहे हैं, के की वैल्यू 10 के पावर 3 और उसके बाद मेगाहर्ट्ज की वैल्यू क्या होगी 10 टू पावर 6, समझ रहे हैं। और ये सारा फ्रीक्वेंसी बैंड याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आ सकता है। देखिए ये जो बेसबैंड सिग्नल है ये लोअर फ्रीक्वेंसीज का है, ठीक है। ये हम लोग ने एक डेटा के थ्रू दिखाया, एक ग्राफ के थ्रू दिखाया, ये क्या है हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी है। तो इस बेसबैंड सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको हमको ट्रांसमिट करना है तो पहले इसको मॉड्यूलेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन प्रोसेस में लो फ्रीक्वेंसीज को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पास बैंड की सिग्नल किसको कहते हैं या फिर बैंड पास सिग्नल किसको कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है हमारा इफ ए सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ए सिग्निफिकेंट हायर फ्रीक्वेंसी, अगर किसी सिग्नल के पास हायर फ्रीक्वेंसी है, किससे 100 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, ग्रेटर देन 100 किलो हर्ट्ज, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज पास बैंड और बैंड पास। देखिए पास बैंड कहिए या बैंड पास कहिए, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इसमें देखिए पास बैंड है और इस बैंड को इधर कर दीजिएगा तो बैंड पास हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो दोनों एक ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा आपको ये सारे टर्म आपको बार बार आगे मिलते रहेंगे, बैंड पास, बेस बैंड, पास बैंड, ए आते रहेगा। तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बैंड पास सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू एन एंटीना। देखिए ये क्या होता है, बैंड पास सिग्नल जो होते हैं वो हायर फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, लगभग लगभग 100 किलो हर्ट्ज का आ रहा है। कहने का मतलब 100 किलो हर्ट्ज,
ये जो हमारा सिग्नल वो हमको इसको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है जिसके कारण से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली रूप से हम लोग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको हम लोग बैंड पास कहते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। देख रहे हैं इधर लोअर फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं है, हमारा कहां से सिग्नल है, एक हम पार्टिकुलर एग्जांपल लिए हैं 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज। तो इसको हम लोग बैंड पास सिग्नल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर फ्रीक्वेंसी है और इसको हम लोग आसानी से एंटीना के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सेशन ये दोनों टॉपिक बताने से हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं, ये माइंड में सेटअप करके रखो कि बाई मॉडुलेशन द सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन टू हायर फ्रीक्वेंसी। मॉडुलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मॉडुलेशन प्रोसेस क्यों जरूरी है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और ट्रांसमिशन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, जो हमारा बेसबैंड फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, उसके पास उतना एनर्जी नहीं है, उतना पावर नहीं है कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। इसीलिए उसको क्या करते हैं, मॉडुलेशन प्रोसेस के द्वारा लोअर फ्रीक्वेंसी को हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है, वी कैन से बेस बैंड सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू पास बैंड सिग्नल। चाहे तो लोअर फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी कहिए या फिर जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग बेस बैंड सिग्नल कह रहे हैं और उसी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और इसको हम लोग मॉडुलेशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं, जैसा कि हम लोग मॉडुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखें और उस प्रोसेस के द्वारा ये कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए हम लोगों ने देखा, क्या देखा, तो बेसबैंड सिग्नल किसे कहते हैं, पासबैंड सिग्नल किसे कहते हैं। अब हम लोग मॉडुलेशन के प्रोसेस में जानेंगे कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा सिग्नल पार्टिसिपेट करता है, किसको मॉडुलेटिंग सिग्नल कहते हैं, किसको मॉडुलेटेड सिग्नल कहते हैं, किसको बेसबैंड सिग्नल कहते हैं, किसको हम लोग मैसेज सिग्नल कहते हैं, इन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। क्योंकि एक ही सिग्नल है, जैसे बेसबैंड सिग्नल को ही हम लोग किसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलेटिंग सिग्नल, इसी को हम लोग कहते हैं मैसेज सिग्नल भी। एक मॉडुलेटिंग सिग्नल है, एक मॉडुलेटेड सिग्नल है, क्या डिफरेंस है, क्या का कहलाता है, कौन सा सिग्नल क्या कहलाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये जो हमारा है मॉडुलेशन प्रोसेस, सारा चीज आप लोग देख रहे होंगे, ये मॉडुलेशन हर एक यूनिट में आपको कॉमन है। तो ये क्या है मॉडुलेशन प्रोसेस, तो हम लोगों ने जाना मॉडुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल के साथ अपना मॉडुलेटिंग सिग्नल अटैच किया जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है और उसको हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग एंटीना की मदद से आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और वो सिग्नल कहां जाता है, तो रिसीवर के पास जाता है। तो चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉडुलेशन प्रोसेस है इसमें कितने तरह के सिग्नल पार्टिसिपेट करते हैं। तो लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल यूज्ड इन मॉडुलेशन प्रोसेस। 3 प्रकार के सिग्नल मॉडुलेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे एक है मैसेज सिग्नल, एक है मैसेज सिग्नल, इसी का नाम है मॉडुलेटिंग सिग्नल भी। मैसेज सिग्नल को ही मॉडुलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं और इसी सिग्नल को बेसबैंड सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है, इसी सिग्नल को बेसबैंड सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक है हमारा कैरियर सिग्नल, एक है हमारा कैरियर सिग्नल। ये 2 इनपुट के तौर पे दिया जाता है और आउटपुट में जो सिग्नल निकलता है उसको हम लोग कहते हैं मॉडुलेटेड सिग्नल, मॉडुलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा मॉडुलेशन प्रोसेस में ओवरऑल 3 तरह के सिग्नल वर्क करते हैं, एक हमारा मॉडुलेटिंग सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल और एक मॉडुलेटेड सिग्नल। चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या है मॉडुलेटिंग सिग्नल, क्या है मॉडुलेटेड सिग्नल और कौन है कैरियर सिग्नल। तो देखिए द सिग्नल व्हिच कंटेंट ए मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज मैसेज सिग्नल। देखिए जिस सिग्नल को हमको ट्रांसमिट करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज सिग्नल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलेटिंग सिग्नल कहते हैं और इसी को हम लोग बेसबैंड सिग्नल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे जानते हैं। इट इज बेसबैंड सिग्नल व्हिच हैज टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मॉडुलेशन। देखिए जिस सिग्नल को हम लोग को मॉडुलेशन करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल, एक ही नाम है तीनों। टू गेट ट्रांसमिटेड, जिस सिग्नल को हम लोग को ट्रांसमिट करने के लिए मॉडुलेशन करना है उसको हम लोग मैसेज सिग्नल कहेंगे, मॉडुलेटिंग सिग्नल कहेंगे और इसी को हम लोग कहेंगे बेसबैंड सिग्नल। Hence, it is also known as modulating signal. इसको हमको, इस सिग्नल को हमको, ये जो मैसेज सिग्नल है इसको हमको मॉडुलेशन प्रोसेस करना है।
इसीलिए इसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस ओवरऑल देखा जाए तो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को तीन नाम, एक मैसेज सिग्नल के नाम से भी पुकारा जाता है और एक बेसबैंड सिग्नल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये तीनों नाम एक ही का नाम है, तो इसको आप लोग समझिएगा। जैसे आपको बताते हैं, आप हैं, आपका एक घर का नाम होगा चिक्कू मिक्कू पिक्कू कुछ भी होगा, एक आप कॉलेज का नाम होगा वो होगा। अब देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों का नाम चिढ़ाते हैं। पता चला कोई चश्मा लगाता है तो उसको चश्मीस के नाम से पुकारते हैं, कोई थोड़ा सा झुलपी रखता है तो झुलपिया के नाम से पुकारते हैं, बहुत तरह तरह के कमेंट आते हैं। तो ये सारा है नाम, मतलब जैसा उसका काम है उसके अनुसार उसका नाम धर दिया जाता है। सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग मैसेज सिग्नल भी कह रहे हैं, क्योंकि इसी सिग्नल में हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारा मैसेज इसी सिग्नल में है, इसीलिए इसको हम लोग मैसेज सिग्नल कह रहे हैं। इसी सिग्नल को हम लोग बेसबैंड सिग्नल कह रहे हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि बेसबैंड सिग्नल क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी, तब तो ये ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम लोग बेसबैंड सिग्नल कह रहे हैं। ठीक है, और एक है हमारा क्या, मॉड्यूलेटिंग। तो इस सिग्नल को हमको मॉड्यूलेशन प्रोसेस करना है, इसीलिए इसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से भी जान रहे हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए एक हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कैरियर सिग्नल के नाम से जान रहे हैं। कैरियर सिग्नल क्या होता है, तो मैंने बताया था कैरियर मीन्स ढोने वाला, जैसे साइकिल चलाते होंगे ऐसे ऐसे पैंडल, तो आगे एक सीट होता है और उसके पीछे भी एक सीट होता है, जिसको हम लोग कैरियर के नाम से जानते हैं। हम लोग को बोझा उझा ढोना है तो माथा पे ढोने में हमारा पावर नहीं है, कोई बड़ा सा बोझा है जिसको हम अपने एनर्जी के लेवल से ढो नहीं सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, साइकिल के कैरियर पर रख देते हैं और साइकिल से आसानी से ले चल जाते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से ये जो सिग्नल है बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसका फ्रीक्वेंसी लो रहता है, और ये सिग्नल जो लो है 10 किलोहर्ट्ज से भी कम है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैरियर पे लाद देते हैं। तो लादने के लिए एक हमको कैरियर चाहिए, तो यही है हमारा कैरियर सिग्नल। ये क्या होगा, देखिए अब कैरियर सिग्नल है तो इसको क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको जब पावरफुल रहेगा तब ना, जैसे दो दोस्त है, एगो राम है एगो श्याम है। अब राम है तनी हिस्ट पुष्ट है और श्याम है जो कि पतला दुबला है, तो कौन किसको पे चढ़ेगा। मान लिया जाए उसको जाना है घुड़कैया चढ़ा के और उसको दूर तक ले जाना है, तो कौन चढ़ेगा, राम हिष्ट पुष्ट है तो राम के ऊपर श्याम चढ़ जाएगा पीछे से ऊपर और उसको आसानी से ले चल जाएगा, गोड़ हाथ मुरक गया तब। तो ये है वो सेम टू सेम जिस तरह से वो कैरी कर रहा है, सेम टू सेम उसी तरह से ये कैरियर सिग्नल भी इस मैसेज सिग्नल को, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, इस बेसबैंड सिग्नल को कैरी करने का काम करेगा। तो ये क्या है, ये हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है कैरियर सिग्नल। देखिए इसके बारे में जानते हैं, द हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच हैज ए सर्टेन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज बट कंटेंट नो इंफॉर्मेशन। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हायर फ्रीक्वेंसी तो होगा इसका, हायर एम्पलीट्यूड तो होगा, हायर फेज तो होगा, लेकिन सर क्या इसमें कोई इंफॉर्मेशन होगा, जिस तरह से हमारा ये मैसेज सिग्नल है इसमें हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारा कंटेंट है, क्या इस कैरियर सिग्नल में कोई कंटेंट होगा, कोई इंफॉर्मेशन होगा, कोई मैसेज होगा। तो नहीं बाबू, वो कैरियर सिग्नल है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट पुष्ट बल्लवान है, वो तो इस इंफॉर्मेशन वाला सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल है, जो बेसबैंड सिग्नल है जिसमें इंफॉर्मेशन है उसको ढोने का काम करेगा। इसमें कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं रहेगा। कंटेंट किस में रहेगा, इंफॉर्मेशन किस में रहेगा, तो मैसेज सिग्नल में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, बेसबैंड सिग्नल में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एज ए कैरियर सिग्नल, तो जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, हायर पावरफुल रहेगा और वो ढोने का काम करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। समझ गए, अब देखिए कह रहा है इट एज एन इम्पटी सिग्नल एंड इट इज यूज टू कैरी द सिग्नल टू द रिसीवर आफ्टर मॉड्यूलेशन। ये क्या कह रहा है कि ये जो सिग्नल है इम्पटी है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, और सिर्फ क्या कर रहा है, तो ये मैसेज सिग्नल का, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, बेसबैंड सिग्नल को ढोने का काम कर रहा है। कहां तक, तो मॉड्यूलेशन के बाद रिसीवर तक ढोने का काम इस कैरियर सिग्नल के थ्रू किया जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एक है मॉड्यूलेटेड सिग्नल।
तो देखो अब मॉड्यूलेशन है के पहले ये मॉड्यूलेटर है और इस मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस मॉड्यूलेशन के पहले वाला सिग्नल को हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, ठीक है, और मॉड्यूलेशन के बाद वाला सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, ध्यान रखना। ये देखो मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये क्या है, द रिजल्टेंट सिग्नल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसको कह रहा है, आफ्टर द रिजल्टेंट ऑफ आफ्टर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो सिग्नल हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, ठीक है। और द सिग्नल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। और ये जो सिग्नल होता है बाबू मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये कॉम्बिनेशन है किसका, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल का। क्यों, क्योंकि हम लोग मॉड्यूलेटर को इनपुट में क्या दे रहे हैं, बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल, और इसको एक और इनपुट मिल रहा है कैरियर सिग्नल का, एक और इनपुट मिल रहा है कैरियर सिग्नल। ये दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज होंगे, कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, और उसके बाद एक जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सिग्नल में बैंड पास, बेस बैंड और पास बैंड इसके बारे में जाना, और साथ साथ मॉड्यूलेशन में यूज होने वाले तीन टाइप के जो सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या फिर इसी को हम लोग बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं, और साथ साथ एक कैरियर सिग्नल है और एक है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये सारा चीज हम लोगों ने समझा। अब हम लोग नेक्स्ट डे से जो डिफरेंट टाइप के आपके मॉड्यूलेशन है उसमें हम लोग इन करेंगे और उनमें हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसके बारे में जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है उसके टाइप है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।